हमारे आज की 11वीं है सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट, इनका नाम है हाफिज मोहम्मद वकास और ये है लाहौर से। इनका भी जल्दी से पैकेज देखते हैं, याद तो आपको होगा कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, इनसे फिर नाम करते हैं। जिनको मौका मिला था वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू इस मुकाबले में वापस आने का, और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि इनकी एंट्री बिल्कुल दुरुस्त है। हाफिज की कल की परफॉर्मेंस तो बेहतरीन रही, आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 11। शौक तेरा चला आया हूँ तेरी महफिल में, चला आया हूँ दहलीज नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ तेरी महफिल मोहम्मद वकास। हाफिज मोहम्मद वकास भाई, आपा मैं आपसे शुरू करूँ। भाई ये कलाम तो मैं हमेशा कहती हूँ, इसकी तर्ज ये कलाम ऐसा है जो कहीं ले जाता है आप, और इन्हें बहुत अच्छा पड़ा। बस मैं ये लेकर गए हैं, ये लेकर गए, मुझे जो लगा मुझे लगा के तरह। ऋषि भाई नहीं, मैं आपा से पूछना चाहता हूँ, वो वक़्त सही पड़ा उन्होंने? हाँ वो बे पे रुक के वक़्त हो गए थे, मगर उसके बाद उन्होंने कवर कर दिया, उसने अकलमंदी की, इस लाइन की दोबारा कही नहीं। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि वो अच्छे गले के मालिक है, कबला गले ही देखे जाएंगे, आप कलाम भी देखे, उसका तलफुज भी देखे। बात खत्म नहीं की, अरे बात खत्म थोड़ी की, मैंने बात तो सुने पहले पूरी, मकसद ये है बात करने का। फिर इन्होंने वर्दो वर्द कर दिया, कलाम में बड़ा मजेदारी थी, इसके अंदर सुर का रचाव करना बड़े बात थी, इसके अंदर इतनी वर्दो वर्द करने की लोड़ नहीं थी इनको, इनको सीधा सीधा मैं सब नाथखानों को बोल रहा हूँ, खुदा का वास्ता हर नाथ को डबल वर्दो ना करो, सही बात। आप हल्की हल्की सी दिखाएं मजे, इसमें तो इतने मजे दिखानी चाहिए, इसके अंदर तो इतने मजे हैं कि इसमें सुर दिखा दिखा के मजा ले सकते हैं आदमी। ये तो राग ही ऐसा है कि रचाओ रचाओ करके ऐसे मजा ले ले आदमी, इसमें इतने वर्दो वर्द करके दाद हमसे लेनी या किसी से लेनी, कोई फायदा नहीं इस चीज का। आप टिका के मजेदार स्टेट सुर का मजा ले। मेरी राय ये है कि ये हम बराबर वाले से नहीं पूछे इसने क्या पढ़ा है, आप खुद इतने वाज़े अल्फाज में वो कलाम पढ़े कि एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है। आप तरन्नुम अपनी जगह पर है, आपका एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है, सही बात। और इनमें इन्होंने जब अंतरा लिया है तो खुद आपा पूछ रही थी क्या पढ़ रही है, अच्छे वाले पूछे जिस पे मैंने कुछ पूछा ही नहीं, पहले वाले में पूछा, बारह पूछा। आप बिलाल भाई आप पूछ रहे थे, नहीं समझ आई आपकी बात, दुरुस्त है। और जो जगह बनाई है उनको ये निभा भी नहीं पाए, वो ठीक है बना सकते हैं, ये नहीं बात के बना पहले अंतरे में तो बिल्कुल नहीं बनाई उन्होंने, बहुत ही ढीला लिया है। आपके कल फाइनल है ये, प्लीज अभी से तंबी दे रहे हैं सबको कि भाई इतना हमें इंस्पायर करने की जरूरत नहीं, आप इसी चीज इन्हीं चीजों से मार भी खा सकते हैं।
کیا آپ یہ سوچ کے آئے کہ آج میں اتنی تیاری دکھائیں گے؟ یہ جو ایک والا جیت جائے, یہ جو ایک پلیز اس لیے تاکہ یہ پلیز آپ لوگ, یہ جو ایک بہت باریک لائن ہے نا, نہیں 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 ہمیں یہ والی انسپائریشن نہیں چاہیے کہ ورد و ورد کر دیں آپ ناز کے لفظ ہی چھوڑ دیں, ہمیں یہ انسپائریشن چاہیے نہیں, اس کے لیے پھر الگ سے ہم کلاسیکل کا مقابلہ کریں گے اس میں آ جائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے دو شعر سننے کے بعد میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ پڑھ لوں. ہاں نہیں, جب پچھلے بار اس بچے نے پڑھا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ بچہ ایسا ہے کہ اس کو جہاں اڑا دو اڑ جائے. میں نے وہی بولا نا, تو لیکن ایسے بھی نہ نہیں, ایسے بھی نہ اڑے نا کہ ہم اپنی چھت پہ بیٹھے اڑ جائے, کیونکہ چھت پہ بیٹھا رہے اڑ کے واپس آئے, ایسا نہ ہو نا چھت کے اڑ کے کہیں اور کسی گھر پہ چلا جائے. مجھے پھر ہم ڈھونڈتے بھرے ہوئے کہاں گیا ہمارا کبوتر. روپی بھائی نے بولا تھا پر پاٹے ہوئے نہیں, پر پاٹے ہوئے نہیں, تو مجھے بالکل یاد ہے. اچھا میں سبزہ بھائی سے ملوں پھر نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف جاؤں گی. یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, ان کے گلے میں قدرتی جگہ ہیں, یہ بناتی نہیں جگہ, ان کے گلوں میں قدرتی جگہ تبھی انہوں نے, لیکن اگر یہ چاہیں تو اس کو اتنا خوبصورت سیدھا کر کے اس میں اتنی ویریشن کر سکتے تھے کہ اس کلام میں مزید خوبصورتی ہو جاتی, لیکن انہوں نے اتنی وردیں لی ہیں اس کے اندر کہ غیر ضروری اور انترا بھی. بھائی جان سیدھے میں جو ویریشن ہوتی ہے وہ مرکے میں نہیں ہوتی ہے. صحیح, اچھا جس دن میں پڑھوں گا آپ کو بتاؤں گا.